न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता 76वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर गोपाल मैदान के प्राचीर से राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही झंडोत्तोलन करेंगे। रविवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं SSP प्रभात कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही परेड रिहर्सल का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मौजूद पदाधिकारियों एवं कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिलेवासियों को 76वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाने की अपील की। परसों 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का यहाँ गोपाल मैदान में पूर्वी सिंहभूम में झंडोत्तोलन जो माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, उसको भी हम लोग सारे तैयारियाँ और परेड का निरीक्षण भी किया और अन्य जितने भी विधि व्यवस्था का भी जो तैयारियाँ हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे से हो, शांतिपूर्वक हो, इसके लिए पूरे ज़िला में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको चिन्हित किया गया है, सभी जगह फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है और कुछ ऐसे शहर में रोड हैं जहां यंगस्टर्स स्टंट राइडिंग करते हैं, उस लोकेशंस को और उस सड़क को भी चिन्हित किया गया है। वहां हमारी पेट्रोलिंग टीम रहेगी, पूरे शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेकिंग लगाया जाएगा। पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं इस पर्व को अच्छे से मनाने के लिए, बट फिर भी उससे पहले मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से, खास करके हमारे युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये ओकेजन है उस ओकेजन के उद्देश्य को समझते हुए काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाएं और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे उनको या उनके परिवार को कोई दिक्कत झेलनी पड़ी, इससे दूर रहें और जो स्वतंत्रता दिवस इसको अच्छे से मनाएं और हमारा सहयोग करें।